हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों 11th के लिए आज का सेकंड टॉपिक है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये एक वन शॉट लेक्चर होगा जो कि आप लोग की एग्जाम में फर्स्ट टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो बिना किसी देरी के बच्चों थोड़ी तेजी दिखाते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक में। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखने वाले हैं जितना फास्ट हो सकता है उतना देखेंगे जल्दी जल्दी, और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे अलग अलग डेफिनेशंस। तो जैसे सबसे पहली डेफिनेशन बाहर निकल के आती है बच्चों, क्या हमारी सिस्टमैटिक्स की, किसकी निकल के आती है डेफिनेशन, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड रहेगा बच्चों। तो पहली डेफिनेशन है इस चैप्टर में, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है सिस्टमैटिक्स का, क्या बच्चों, सिस्टमैटिक्स। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय सिस्टमैटिक्स, है ना, यही हम लोग देखने वाले हैं। तो सिस्टमैटिक ये वो स्टडी होती है बच्चों जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म की कंपैरेटिव और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखेंगे। द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स एंड देयर कंपैरेटिव एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो सिंपल सिस्टमैटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। देखो बुक्स बच्चों, अपने को बुक्स के लाइंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स एंड देयर कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। अब धीरे धीरे हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसको पहली बार यूज किया गया था सिम्पसन द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, सिम्पसन, है ना, सिम्पसन, एक बहुत फेमस कार्टून भी आया करता था सिम्पसन, ठीक है, सिम्पसन द्वारा, जी सिम्पसन नाम था, 1961 में बच्चों, कब, 1961, ओके। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग ने क्या देखना है, टैक्सोनॉमी देखेंगे, ठीक है, टैक्सोनॉमी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला टैक्सोनॉमी, देखो बहुत इजी इजी चीजें हैं। सेकंड टॉपिक कौन सा, टैक्सोनॉमी, ओके, टैक्सोनॉमी देखेंगे एक बार, थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा ही हो गया था, है ना। अब बच्चा लोग हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या होता है बच्चों, क्या, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लेकिन यूजिंग सर्टन सेट ऑफ रूल्स, है ना, सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स यूज करके जब भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, टैक्सोनॉमी। सबसे पहले ये टर्म वॉज कॉइंड बाय, टर्म वॉज, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, कॉइंड बाय, किसने कॉइन किया था बच्चों, कॉइंड बाय ए पी डी कैंडोले, है ना, क्या नाम था, एपीडी कैंडोलो है एक्चुअली, तो कैंडोले, एपीडी कैंडोले याद रखना, ठीक है, एपीडी कैंडोले, इन्होंने सबसे पहले, एपीडी कैंडोले एक्चुअली वो, इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी नाम का एक, मतलब टैक्सोनॉमी इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी, मतलब टर्म ये कॉइन किया था। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है, है ना, ये अरेंजमेंट होगा बच्चों ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज, इन देयर डिस्टिंक्टिव कैटेगरीज, है ना। सो व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन, वापिस बोलते हैं, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज
इन अकॉर्डेंस विद पर्टिकुलर एंड वेल एस्टेब्लिश्ड प्लान। तो इतना लिखने से अच्छा सिंपल अगर लिख लेंगे, थर्ड वाला कौन सा है हमारा, क्लासिफिकेशन। देखो यहां लिख देते हम थर्ड क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, वर्गीकरण होता है बच्चों। मतलब सिंपली देखो, हम लोग को भी क्लासिफाई किया रहता है ना, है कि नहीं, हम लोग को भी 8, 9, 10th के हिसाब से क्लासिफाई किया रहता है। तो यही क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। देखो सिंपल लिखता हूं मैं यहाँ पे, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सिंपल देख लो, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। क्या डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, और इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको बच्चा, इसको ही हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। अच्छे से याद रख लेने के लिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। अब ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है ये भी आप लोग को बताना ज़रूरी है बच्चों। ये इट इज़ बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होता है। देखो ये इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, है ना, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ये बेस्ड किस पे होता है बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म के मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या समानता है और क्या विभिन्नताएं हैं, इसके ऊपर क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है। अब देखो ये कुछ फॉलोइंग टाइप्स का होता है बच्चों। सबसे पहले आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे साइड वाइज मूव करके ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है भाई, क्लासिफिकेशन इसके टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के बच्चों लिटरली थ्री टाइप्स होते हैं। कितने, थ्री टाइप्स, 1, 2 एंड 3। क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स, तीन टाइप्स। सबसे पहला आएगा बच्चों आर्टिफिशियल, ठीक है, सबसे पहला आएगा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, फिर आएगा नेचुरल और लास्ट में आएगा फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक। कितने टाइप्स आ गए बच्चों, हमने कितने टाइप्स देखे, 1, 2 एंड 3, है ना। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाफट करना है हम लोग को, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो देखो अब आर्टिफिशियल क्या होता है, ये किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक पे, और इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का कोई भी महत्व नहीं होता है। आप लोग ने होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ऐसा क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन ईजिली ऑब्जर्वेबल एंड नॉन एवोल्यूशनरी फीचर्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखो मैं यहीं लिख देता हूँ, अलग अलग मार्कर यूज करेंगे इसके लिए। ये किसके लिए, किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल एंड नॉन एवोल्यूशनरी, ठीक है। किस चीज़ पे बेस्ड होता है बच्चों ये, इट इज़ बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल एंड नॉन एवोल्यूशनरी
बोलेंगे फीचर्स, फीचर्स या बोलेंगे उसके अपीयरेंसेस, उसके कैरेक्टर्स, ठीक है, फीचर्स है ना। नेचुरल में क्या होता है, देखो सिंपल, फर्स्ट वाला कौन सा देखा बच्चों हमने, मेरे आंख में कुछ तो चला गया है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या देखा हमने, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों, पूरा स्टेट बोर्ड है बच्चों, हाँ पूरा स्टेट बोर्ड की बुक देख रहे हैं हम लोग। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये बेस्ड होता है किस पे, इजीली ऑब्जर्वेबल एंड नॉन एवोल्यूशनरी फीचर्स। अब ये कौन से फीचर्स होते हैं बच्चों, जैसे हैबिट, एग्जाम्पल इसका हैबिट, ठीक है, फिर बाद में एग्जाम्पल के बाद कलर, हैबिट कलर है ना, एक्सेट्रा। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं है ना। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये बेस्ड होता है बच्चों ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट है ना, रादर देन बीइंग सिलेक्टेड फॉर कन्वीनियंस लाइक आर्टिफिशियल सिस्टम। सिंपल ये बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो सिंपली अगर देखा जाए तो इट इज़ द क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट रादर देन बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। या सिंपल अगर मैं बोलूँ, सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये डिपेंडेंट होता है, मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इस अर्थ पे क्या रोल है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंस, एक वर्ड में लिख दे रहा हूं, टेक्स्ट बुक के थोड़े सेंटेंसेस बहुत ज्यादा डेंजरस है। और फाइलोजेनेटिक याद रखना है बच्चों हम लोग को, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे ये बेस्ड होता है। तो सिंपल अगर मैं बुक के हिसाब से चलूं तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी डिसेंडेंट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी डिसेंट है ना, इट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी डिसेंट। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको एंगलर एंड प्रांटल्स क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, बेंथम एंड हुकर वाला, कौन सा, बेंथम एंड हुकर है ना। सिर्फ सिग्निफिकेंस के ऊपर हम लोग लक्ष्य दे रहे हैं, ठीक है। और ये वाला कौन सा क्लासिफिकेशन है, एंगलर, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एंड प्रांटल्स, इनमें से कौन सा एंगलर एंड प्रांटल्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो ये आप लोग को उस समय पता रहना चाहिए। इसके बाद देखते हैं बच्चों थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, क्या देखते हैं, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। अभी थर्ड हो गया, फोर्थ वाला कैरेक्टर, फोर्थ वाली क्या चीज है हमारी, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ है ना, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ में हम लोग देखने वाले बच्चों, सबसे पहले थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ के अनुसार पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का जो किंगडम है ये तीन कैटेगरीज में या फिर तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ में पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला वाला कौन सा आएगा बच्चों, पहला वाला है अपना बोलेंगे हम लोग अपना बैक्टीरिया जो रहता है ना। तो पहला वाला आएंगे पूरे के पूरे बैक्टीरियास, दूसरा है आर्काइया, ARCHEA है ना, आर्ची बोलो तो ARCHEA है वो, ठीक है, ए ई ए, स्पेलिंग थोड़ा अलग है। उसके बाद लास्ट वाला आएगा बच्चों हमारा यूकेरिया, UKARYRIA यूकेरिया, ठीक है। अब याद रखना है बच्चों ये जो पहले दो है ना, ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, अब इस पे से एक और चीज आप लोग को याद रखनी है कि ये जो है यूकेरिया जो है ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आएगा है ना, यूकेरियोटिक। इसमें भी ये वाले जो है ना बच्चों ये होंगे एक्सट्रीमोफाइल्स, इनको क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमोफाइल्स,
एक्सट्रीमोफाइल्स में अब दो टाइप्स बता देता हूँ मैं आप लोग को। अगर हाई टेम्परेचर में रहने वाले बैक्टेरियाज हैं तो इनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मोफाइल्स। और अगर हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में रहने वाले हैं तो इनको बोला जाता है हैलोफाइल्स, है ना, हैलोफाइल्स। और यही है थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। जल्दी से फटाक से इसको क्या करना है बच्चा, आप लोग ने फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। ओके, अब देखते हैं आगे धीरे धीरे। अब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं आगे। तो सबसे पहला है बच्चों न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्या देखते हैं अभी? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, तो बच्चों ये क्लासिफिकेशन का एक टेक्निक है। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का एक टेक्निक है जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ साथ उसका न्यूमेरिकल एल्गोरिदम भी बनाएंगे। तो सिंपल अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो सिस्टम बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड develops an algorithm for classification, है ना। Based on किसके ऊपर basis है बच्चा इसका? Based on quantification, क्या? Quantification based on किसके ऊपर based है ये? Quantification of characters, है ना। क्वांटिफाई करना मतलब क्या? नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यूज में उसको कन्वर्ट कर देना। क्वांटिफिकेशन एंड ऑफ कैरेक्टर एंड डेवलप्स एंड डेवलपमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ किसकी डेवलपमेंट बच्चों? न्यूमेरिकल अल्गोरिदम। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूमेरिकल एल्गोरिदम। जल्दी से बच्चों इसको फटाक से कर लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। आगे है, किसने बनाया था ये? सोकी एंड स्नेट। किसने बनाया था ये? डेवलप्ड बाय किसने बनाया था भाई? सोकी। क्या क्या नाम है इसका? सोकी एंड स्नेट, 1963 में आया बच्चों ये। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब इसके बाद है बच्चों क्लाडोग्राम। क्या है क्लाडोग्राम? ये सिंपली फ्लो चार्ट सिस्टम होता है। क्या होता है? फ्लो चार्ट सिस्टम, है ना। सिक्स्थ वाला है हमारा क्लाडोग्राम। है ना, क्लाडोग्राम टेक्निक देखते हैं। अब क्लाडोग्राम टेक्निक के बोलती है। ओके, तो क्लाडोग्राम में क्या होगा बच्चों? ये क्लासिफिकेशन का ऐसा सिस्टम होगा जिसमें क्या यूज होने वाला है? फ्लो चार्ट सिस्टम यूज होने वाला है। मतलब फ्लो चार्ट पैटर्न, अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न एज, देखो सिंपली द इट इज बेस्ड ऑन सिंपल ब्रांचिंग पैटर्न। किस पे बेस्ड होगा बच्चों? ब्रांचिंग पैटर्न पे ये बेस्ड होगा, ये याद रखना है आप लोग ने। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अपन ने कुछ देर पहले ही बनाया था ना थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये कैसे होता है मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं थ्री, अभी कुछ देर पहले की अपन ने डोमेन्स, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्या है ये बच्चों? थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। अभी जस्ट कुछ देर पहले देखा, अगर मैं इस डेटा को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ में कितने, देखो ये तीन कौन से डोमेन्स हैं? एक दो तीन। जब भी मैं कोई भी डेटा ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा इसको क्लैडोग्राम कहेंगे। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है आप लोगों ने, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? बैक्टीरिया।
उसके बाद है सी एच ए आर काया, और लास्ट में है यूकेरिया। फटाक से स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, बहुत इजी है, फटाफट हो रहा है। अब देखो फाइलोजेनी, इट इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। क्या होता है ये फाइलोजेनी? सेवेंथ वाला देखते हैं हम लोग अभी, फाइलोजेनी, ठीक है, सेवेंथ फाइलोजेनी, है ना। व्हाट इज मीन बाय फाइलोजेनी बच्चा लोग? फाइलोजेनी ये होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिंपली याद रखना है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बच्चों ये कि इतना इंपॉर्टेंट ब्रांच है ना, है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है कि इसकी वजह से हम लोग को एवोल्यूशनरी डिसेंडेंट्स और हमारे एंसेस्टर्स के बारे में भी पता चल जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो एवोल्यूशनरी सिस्टम है ये इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं आगे और है हमारे टॉपिक्स। सबसे पहले तो देखेंगे हम लोग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ओके। अब सेवेंथ पॉइंट तो हमने कवर कर लिए, अब देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एट्थ पॉइंट को क्या है हमारा बच्चा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एट्थ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ओके, ये वाली चीज हम लोग अभी देखेंगे। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में देखो सबसे पहले ये याद रखना है, इसमें आएगा पूरे हायरार्कीज, ओके, जितनी भी हायरार्कीज या फिर रैंक बोलेंगे वो इसमें आएगी, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सिंपली यहाँ यूज क्या होती है बच्चा, देखो सिंपल, यहाँ किंगडम, उसके बाद आएगा फाइलम, किंग पहले क्लास में आया, क्लास, है ना, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीशीज। जो मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी है बच्चों, तो ये सब है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। और ये जो है ये हायरार्कीज भी इनको कहा जाएगा, क्योंकि हर ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये रैंक रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ये रैंक रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से स्पीशीज ये लोवेस्ट रैंक होता है, ये लोवेस्ट हायरार्की होती है बच्चों, ठीक है, लोवेस्ट हायरार्की। हायरार्की मतलब रैंक होता है, ये बात अच्छे से दिमाग में रख लो। हायरार्कीज मतलब क्या होता है बच्चों? ये रैंक होता है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। अब स्पीशीज क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, है ना। स्पीशीज होते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड, क्या, इंटरब्रीड। अब मेरे को एक बात बताओ, डॉग्स एंड कैट्स एक मेक के साथ में ब्रीड कर सकते क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। तो स्पीशीज मतलब वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड कर सकते हैं। अब जीनस क्या होता है? मैनी स्पीशीज फॉर्म्स जीनस, मतलब ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड एज जीनस, ग्रुप ऑफ मैनी जेनेरा इज कॉल्ड एज फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिलीज इज कॉल्ड एज ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड एज क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास इज कॉल्ड एज फाइलम, एंड मैनी ग्रुप ऑफ फाइलम इज कॉल्ड एज किंगडम।
ये बात आप लोग ने याद रखना है, बहुत सारे ग्रुप मिलके जीनस बनाते हैं, ठीक है, जैसे सॉरी बहुत सारे स्पीशीज मिलके जीनस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रेस और पैंथेरा पार्डस, मतलब लायन, लेपर्ड और टाइगर, है ना, तो पैंथेरा लियो, पार्डस और अपना टाइगर, ये तीनों डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन ये एक ही जेनेरा में आते हैं, जो है हमारा कौन सा, पैंथेरा नाम के जेनेरा में आते हैं, और इसी को बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड एज जीनस। मैनी जेनेरा कंस्टिट्यूट्स फैमिली, मैनी फैमिली इज कंस्टिट्यूट ऑर्डर, मैनी ऑर्डर कंस्टिट्यूट्स क्लास, मैनी क्लासेस कंस्टिट्यूट्स फाइलम, फाइलम अगर प्लांट के बारे में बात हो रही तो इसको डिविजन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, डिविजन, ठीक है। एंड मैनी फाइलम कॉन्स्टिट्यूट्स अ किंगडम, जैसे किंगडम एनिमेलिया, इसमें कितने सारे फाइलम है, है ना, हमारा पॉरीफेरा, स्निडेरिया, पेरिहेलमिंथ्स, एस्ट्रिहेलमिंथ्स, फिर उसके बाद में आएगा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, फिर बाद में आएगा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, फिर आएगा वर्टिब्रेटा, ये जितनी भी चीज़ें हेमिकॉर्डेटा के बाद आएगा सॉरी कॉर्डेटा, है ना, तो कॉर्डेटा में फिर बहुत सारी क्लासेस आती है ना, 5 से 6 क्लासेस आती है कि नहीं, तो ये होता है बच्चों पूरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली शुरू कर रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ले जा रहा हूँ, इसलिए चीज़ें थोड़ी जल्दबाजी में लगेगी आप लोग को, लेकिन हाँ ये बहुत इजी टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा, और मैं भी आपको पूरे टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही ले जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये तो हमने देख लिया, अब देखते हैं हम लोग अपना नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, नाम, नाम गुम जाएगा, है ना, चेहरा ये बदल जाएगा, बिकॉज जो ये नाम है ना बच्चों, नाम में बहुत सारी चीजें रखी हैं, शेक्सपियर महाराज ने बोले नाम में क्या रखा है, अरे भैया यहाँ सब क्लासिफिकेशन नाम में ही रखा है, ठीक है, तो हमको यही देखना है सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ओके, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हम लोग देख रहे हैं, है ना, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार बच्चों ऑर्गेनिज्म को नामकरण किया जाता है ना, मुझे तुमसे है कितने गिले, जब स्टडी नहीं होती है ना तब हम लोग ऐसे मतलब समझता नहीं है ना कौन सा एनिमल कौन सा है, तब तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन कहाँ थे, क्या किया क्या किया, तो कैरोलस लिनियस बोले तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, MCQ लिया, करेक्ट किया, तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, है कि नहीं, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम लोग नाम लेते हैं बच्चों, है ना, नामकरण करते हैं, है ना, नामकरण नहीं करते मतलब नेमिंग देते हैं। अब ये जो नेमिंग है हमेशा याद रखना, ये सबसे पहले किसने फाइंड मतलब किसने सबसे पहले ये चीज निकाली बच्चों, ये किया था कार्ल लिनायस ने, किसने, कार्ल लिनायस, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है तो भावनाओं को समझो, मैं बोलने की कोशिश जो कर रहा हूँ। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में बच्चों ये याद रखो 2 पार्ट्स होते हैं ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, है ना, जो बाइनोमियल नेम होता है, वर्ण बाइनोमियल जो नेम होता है इसमें होते हैं 2 पार्ट्स। अब ये 2 पार्ट्स कौन से, सबसे पहला होता है बच्चों जेनेरिक नेम, कौन सा, जेनेरिक नेम, और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम। तो ये जो हमारा जेनेरिक नेम होता है ना बच्चों, जेनेरिक नेम होता है हमारा सिंपल नाउन, क्या, सिंपल नाउन, और ये हमारा जो स्पेसिफिक नेम होता है ना, स्पीशीज बोलते हैं जिसको, स्पीशीज वाला नेम होता है, ये होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, है ना, इसके सर्टेन रूल्स है बच्चों, 3 से कम और 14 से 13 से ज्यादा अल्फाबेट्स नहीं होने चाहिए, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है।
अगर आप टाइप कर रहे हो तो हमेशा इटैलिक, मतलब वो टेढ़ा तिरछा तिरछा टाइप नहीं होता है क्या ऐसा, वो वाला आप लोग ने टाइप में लेना चाहिए। और अगर लिख रहे हो तो हमेशा किस में उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पैंथेरा लियो लिख रहा हूं, ये देखो मैं लिख रहा हूं ये, ठीक है, पैंथेरा लियो। तो जब भी मैं इसको हैंड रिटन लिखूंगा तो मेरे को इसके नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा याद रखो जेनेरिक नेम कैपिटल से शुरू होगा और स्पेसिफिक नेम में कोई कैपिटल लेटर लगाने की जरूरत नहीं है। यही है पूरा का पूरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन पढ़ता होगा ससुर ये चालू क्यों किया है ना, काहे परेशानी दे रखी है हमारे दिमाग को। तो बच्चों जब भी हम लोग बात करते थे कॉमन नेम या वर्नाक्युलर नेम्स की, तो देखो ना हमारे भी आधार कार्ड पे देखो हमारा एक यूनिवर्सल नाम होता है जो पूरी दुनिया को मालूम होता है, मतलब लीगल दस्तावेज जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर हमारा एक यूनिवर्सल नाम होता है। लेकिन घर में चिंकू रिंकू टिंकू सोनू मोनू बबलू है ना, ये नाम अलग अलग होते हैं और कन्फ्यूजन तैयार होता है भाई बबलू और सोनू है कौन, जबकि दोनों एक ही इंसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेपर्ड की बात करूं, लेपर्ड को यहाँ पे बिप्टा बोलते हैं हम लोग, महाराष्ट्र में बिप्टा बोलते हैं, थोड़ा सा हम लोग नॉर्थ की तरफ चल जाएंगे तो तेंदुआ बोलते हैं हिंदी में, है कि नहीं। फिर तिलचट्टा या बोलते नहीं क्या, चट्टे वाली बिल्ली बोलते हैं कुछ कुछ लोग, पता नहीं क्या क्या नाम रखे रहते हैं, उसकी वजह से क्रिएट होता है कन्फ्यूजन। अब कभी कभी कुछ कुछ लोग तो लेपर्ड और चीता में प्रॉब्लम हो जाता है, भाई चीता दिसला माला, अभी चीता नहीं होता है भाई, इंडिया में चीता है ही नहीं, अभी अभी मोदी जी लाए हैं पकड़ के कहाँ से, तो भी 8 चीते कुनो नेशनल पार्क में है कि नहीं, मध्य प्रदेश में, नहीं तो चीता तो इंडिया में थे ही नहीं, है कि नहीं। ये आप लोग को समझने की जरूरत है, इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब यहाँ पे एक यूनिवर्सल नाम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिया जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, उस वजह से क्या होगा, सिंपली उस वजह से कन्फ्यूजन्स नहीं होगी और स्टडी एकदम फ्लॉलेस हो जाएगी। सोचो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर मराठी लैंग्वेज या हिंदी में दिए जाते तो कैसे नाम होते, सोचकर बताना जरा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर बच्चों, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोग देख चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से ओरिजिनल वाली चीज़ें चालू हो रही है बच्चों, ठीक है। अभी तक तो हम लोग इंट्रो इंट्रो खेल रहे थे है ना, तो अब हमारा जबरदस्त वाली चीज़ क्या है, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रखना है बच्चों पांच किंगडम कौन से होते हैं, बचपने से सीख रहे हो, बचपने से मतलब इतने भी छोटेपने से नहीं सीख रहे हो है ना। फाइव किंगडम सिस्टम देखो डेवलपमेंट के हिसाब से जाएंगे हम लोग, ज्यादा नहीं, ओके। सबसे पहला किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा मोनेरा, हमारा प्यारा मोनेरा। सेकेंड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा प्रोटिस्टा, कौन सा भाई, प्रोटेस्टा। फिर उसके बाद है हमारा फंगाई, कौन सा है भाई, फंगाई। फिर आएगा बच्चों एनीमेलिया, क्या आएगा बच्चा, एनीमेलिया, ए सॉरी प्लांटी आएगा ना भाई, प्लांटी। और लास्ट में आएगा बच्चा एनीमेलिया। और ये जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये हमारे खतरनाक से साइंटिस्ट मिस्टर आर एच विटाकर, क्या नाम था इनका, आर एच विटाकर है ना, नहीं याद रहा तो विटकर भाई याद रख लेने का, क्या विटकर भाई, ठीक है। अगर नहीं याद आया तो इन्होंने ये क्लासिफिकेशन के सिस्टम दिए थे बच्चों, जिसमें पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को पांच किंगडम्स में बांट दिया गया था। याद रखना है मोनेरा में पूरे के पूरे कैसे थे बच्चों, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कैसे, प्रोकैरियोटिक है ना, और यहां से पूरे के पूरे ये कैसे थे, यूकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, या आप लोग को बहुत अच्छे से समझ लेना है बच्चों।
अब बढ़ते हैं आगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना, जिसको हम बोलेंगे मोनेरा। फर्स्ट वाला देखते हैं बच्चा, किंगडम, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरिया। यो यो, अच्छा गाना बन गया ना। तो सबसे पहले इसमें पूरे के पूरे बच्चों क्या रहेंगे, बैक्टीरिया, है ना, पूरे होंगे बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया। उसके बाद याद रखो इनके पास नो, क्या बोलेंगे, इनके पास कोई भी टाइप के नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, है ना, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, है ना, ये याद रखना है। उसके बाद में नो न्यूक्लियस, है ना, फिर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, अब इसी के बेसिस पे बच्चों इनके कुछ शेप्स होते हैं, ठीक है, शेप्स देख लेते हैं हम लोग, ओके। तो इनके शेप्स देख लो, अगर गोल गोल लड्डू के माफिक रहे तो इनको बोलते हैं बच्चों कोकस, क्या बोलते हैं, कोकस। स्पाइरल रहे तो, अगर समझो रॉड जैसे रहे तो बैसिलस। कॉमा शेप के रहे तो विब्रियो, है ना, कॉमा शेप इस तरीके से देखा है ना, कॉमा आप लोग ने ऐसे, अगर ऐसे स्पाइरल फॉर्म में रहे तो स्पिरिलियम, क्या बोलेंगे, स्पिरिलियम, हाँ। और ज्यादा हाईली स्पाइरल फॉर्म रहा तो स्पाइरोशिट, स्पायरोशिट। कभी कभी बैसिलस और कोकाई एक जैसे, मतलब थोड़े से फेमिलियर लगते हैं, तो इनको बोलते हैं बैसिलो कोकाई, बैसिलो कोकाई। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनमें भी कुछ कैटेगरीज आती है बच्चों, है ना। तो पहली कैटेगरी है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा आता है यू बैक्टीरिया, ये पूरे देखने हैं अभी। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे की ओर। इनकी कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज होती है, तो सिंपल अगर मैं बोलूं तो टू कैटेगरीज, तो टू कैटेगरीज जो है इसमें, ये दो कैटेगरीज कौन सी, सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा यू बैक्टीरिया, है ना, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। इन्हीं को बच्चों बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स, जो कि मैं आप लोग को शुरुआत में ही बता चुका हूं कि थर्मोफाइल्स और हैलोफाइल्स जैसे होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। अब बढ़ते हैं हम आगे, सिंपल ये याद रखना कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है, लिव्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस, दे लिव्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर। अब आगे है हमारा यू बैक्टीरिया, याद रखना ये कॉमनली अकरिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बी वाला कौन सा है, यू बैक्टीरिया, सबसे पहले याद रखो ओमनी प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं भाई,
ओमनी प्रेजेंट मतलब अत्र तत्र सर्वत्र हर जगह मिल जाएंगे आपको, हर जगह कॉमनली प्रेजेंट, मोस्ट कॉमन होते हैं, सिंपल, लिव्स इन नॉर्मल कंडीशन, लिव्स इन नॉर्मल कंडीशन, कंडीशन है ना, याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। अब हम लोग जो देखने वाले हैं ना वो थोड़े आगे, कुछ कुछ देखो इसमें, देखो सम, देखो कभी कभी ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, फिर कॉलोनियल होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, कॉलोनियल होंगे, ओके, कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज में रहने वाले, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं भाई, देखो और ऐड होते जा रहे हैं, फोटो सिंथेटिक, फिर उसके बाद ये हो सकते हैं हमारे सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक मतलब पता है ना डेड ऑर्गेनिजम्स पर रहने वाले, ठीक है, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, ओके, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स इसमें जो है ये मोस्ट अबंडेंट है, ओके, मोस्ट अबंडेंट आर हेटेरोट्रॉप्स, ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट निकालो इसका, ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया है। अब देखते हैं प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, फटाक से करने वाले बच्चों, जल्दी वन शॉट है ना, एक शॉट मांगते भाई। किंगडम प्रोटिस्टा सेकंड वाला फाइलम कौन सा है हमारा, किंगडम प्रोटिस्टा, सेकंड देखो किंगडम, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त रिवीजन है बच्चों आप लोग का, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा में देखो लगभग पढ़ते हैं कुछ टाइप्स, ओके, तो सबसे पहला टाइप पड़ता है बच्चों इसमें प्लांट लाइक एनिमल लाइक, है ना, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फिर उसके बाद एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फिर उसके बाद याद रखना है बच्चों यूग्लेनॉइड्स, है ना, यूग्लेनॉइड्स, फिर आता है फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, है ना, कौन सा, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, तो सिंपल यूग्लेनॉइड्स अगर मैं बोलूँ, फिर आता है डायनोफ्लैजिलेट्स और फंगाई लाइक, है ना, तो पांच पढ़ते हैं बच्चों, फंगाई लाइक और डायनोफ्लैजिलेट्स, तो सबसे पहला वाला कौन सा पढ़ता है, देख लो ये भी देख लो, एनिमल लाइक, ये सॉरी पहले लिख रहे हैं प्लांट लाइक, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फिर एनिमल लाइक आएगा बच्चों, देखो प्लांट लाइक माना जाता है ये हमारे प्लांट्स के पूर्वज थे, एनिमल लाइक माना जाता है ये हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, प्लांट लाइक एनिमल लाइक हो गया, फिर बाद में देखो डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर आएगा हमारा यूग्लेनॉइड्स, है ना, यूग्लेनॉइड्स, और ये आएगा हमारा फंगाई लाइक, देखो बच्चों इसी के बाद में जितने भी हमारे अमीबा के बाद में ही फाइलम्स बने ना, जैसे देखो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट ही आगे चल के किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिज्म बने होंगे, मतलब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट ने ही खुद को एल्गी में कन्वर्ट किया होगा, और एल्गी के बाद में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स का एवोल्यूशन हुआ होगा, एनिमल लाइक के बाद में ही एनिमल्स का अलग अलग एवोल्यूशन हुआ होगा, ये बोल सकते हो, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हमारा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का थोड़ा डिस्क्रिप्शन, है ना, तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को हम लोग बच्चों सबसे पहले याद रखना, क्राइसोफाइट्स कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, प्लांट लाइक में अब देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला क्या है, इसमें भी ए लिख देते हैं, ए टंग 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 टंग, क्या बोलती तू, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ये बोलती है क्या, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, है ना, प्लांट लाइक प्रोटीज देखते हैं अभी।
अब प्लांट लाइक प्रोटीन्स बच्चों सबसे पहले याद रख लेना, इनको बोला जाता है कॉल्ड एज क्राइसोफाइट्स। ये नाम याद रखो बच्चों, कॉल्ड एज क्या बोलेंगे इसको, क्राइसोफाइट्स। क्या कहेंगे इसको? क्राइसोफाइट्स कहेंगे बच्चों, ठीक है। इन्हीं को फाइटोप्लैंकटॉन्स भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज फाइटोप्लैंकटन्स। फोटोसिंथेसिस, ओशन का सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस इनके द्वारा ही होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एंड फोटोसिंथेटिक रहते हैं, मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। ये याद रख लो, मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन है ना, माइक्रोस्कोपिक मोना डार्लिंग, ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि सारा जंगल इन्हें फाइटोप्लैंकटन के नाम से जानता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, इन्हीं को डायटॉम्स भी बोलते हैं। याद रख लो, पूरे शब्द याद रखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शब्दों के नाम, मतलब यहाँ पे मैं शब्द बता रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना है आप लोग ने बहुत अच्छे से। अब सेकंड वाला देखेंगे हमारा, एक और चीज़ इसमें ऐड करनी चाहिए थी मैंने, लेकिन इसमें हमारे टेक्स्ट बुक में, हाँ याद रखना, इनके सेल वॉल में क्या होता है, सेल वॉल के अंदर होता है सिलिका, सेल वॉल में होता है सिलिका, याद रखना मेरे यारो दिलदारो, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, है ना, याद रखना। जब ये प्रेजेंट थे ना बच्चों, तो उस समय इस अर्थ को डायटोमिशियस अर्थ बोला जाता था, ये भी याद रखना है आप लोग ने, ठीक है। अब देखते हैं प्लांट लाइक हो गया, हम एनिमल लाइक देखते हैं, इनको ही प्रोटोजोअन बोला जाता है, और इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती यार। वैसे आदि पुरुष का ट्रेलर आया, सच्ची सच्ची बताना किसको किसको अच्छा लगा, एक बार देख लेना बच्चों आदि पुरुष, और लिटरली यार सच में मजाक उड़ाने के लिए अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो, है ना, सीरियसली यार, अभी रावण के बाल कटे हैं, लिटरली वन साइड कटिंग मारी है रावण ने सैफ अली खान को ना, सच्ची अभी मुंह फोड़ देने का मन हो रहा है मेरा, लेकिन क्या करें, आप बनाने वाले मॉडर्न रामायण बनाने के चक्कर में इतना मॉडर्निज्म घुसेड़ रहे हैं उसमें, कि उसका ओरिजिनल नॉस्टैल्जिया ख़त्म हो जा रहा है, और उसकी ओरिजिनलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, लिटरली इट्स हॉरिबल। देखते हैं अभी ओरिजिनल ट्रेलर, ये तो चलो टीजर है, कभी कभी क्या करते चिढ़ाते भी ये लोग, है ना, टीजर है, ऐसा है, ट्रेलर शायद अच्छा हो, VFX मतलब इतना, अब क्या बोलूँ मैं, VFX की तो पूरी वाट लगा के रखी है, है ना। आप देखते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है, तो वो तो चलो आदि पुरुष का ट्रेलर है, लेकिन ये अपना वन शॉट ट्रेलर बेस्ट होना चाहिए, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, बच्चों ये होते हैं प्रोटोजोअन, क्या होते हैं ये, प्रोटोजोअन्स, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक होंगे बच्चों, कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉपिक मतलब लिटरली ये शिकार करेंगे एनिमल जैसे, ठीक है, शोज फैगोसाइटोसिस, या फिर पहले लिखते हैं नो सेल वॉल, इनके पास कोई सेल वॉल होती है क्या, नो सेल वॉल, दो ही एग्जांपल अच्छे याद रख लो, अमीबा पैरामेशियम, ठीक है, अमीबा एंड पैरामेशियम याद रखना, ये हाँ सम आर या फिर सम हैव फ्लैजेला, फ्लैजेला इसका एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, सम हैव सीलिया, फ्लैजेला वाले का नाम याद रखना बच्चा, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, सम हैव सीलिया आपका प्यारा, सम हैव सीलिया आपका प्यारा कौन सा, हमारा पैरामेशियम, याद रखना अंडरलाइन मारना नहीं भूलना बच्चों, पैरा मोइशियम,
और एग्जाम में भी जब भी आप एग्जाम्पल्स लिखोगे अंडरलाइन हमेशा करो, बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर ने बोला है ना करने का, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद सम शोज, नाम में ही है देखो, अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट याद रखना है। इसको क्या नाम याद रखोगे इसके लिए, हमारा प्यारा AMOEBA अमीबा। ओके स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो, समझ रहा है क्या गुरु, जल्दी से ले लो। अब देखो बच्चों, ये ट्रिपैनोसोमा नाम का एक जो फ्लैजिलेट है, ये स्लीपिंग सिकनेस नाम का बीमारी कॉज करता है। कौन सा? स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी बीमारी कॉज करता है ये? स्लीपिंग सिकनेस, अच्छे से याद रखना। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, एनिमल लाइक हो गया हमारा, अब डायनोफ्लैजिलेट्स देखते हैं, ठीक है? डायनोफ्लैजिलेट्स थर्ड सी, डायनोफ्लैजिलेट्स क्या देखने वाले हैं हम लोग? डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है? डायनोफ्लैजिलेट्स याद रखना बच्चों, एक्वेटिक होंगे सबसे पहले। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, है ना? एक्वेटिक मींस क्या होगा बच्चे? पानी में रहने वाले, ठीक है? उसके बाद फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक तो खींच मेरी फोटो वाला नहीं, फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण, खतरनाक सा शब्द है ना, मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाले। उसके बाद इनके पास सेलुलोज, सेल वॉल होती है बच्चों, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, है ना? इनके पास सेल वॉल होती है, किससे बनी होगी? सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स, है ना? सेल वॉल बनी है सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स की मदद से। फिर इसके बाद एग्जाम्पल याद रखना, शोज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ वेराइटी ऑफ कलर रेंजेस शो करेंगे, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, है ना? इसमें एक एग्जाम्पल है बच्चा, गोनियोलैक्स। क्या एक एग्जाम्पल है इनमें? गोनियोलैक्स बोल के, ठीक है? गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स ये एक चीज प्रोड्यूस करता है बच्चों, जिसको रेड टाइड्स बोलते हैं, मतलब लिटरली झील की झील लाल कर देता है ये। और पुराने ज़माने में क्या होता था, ऐसी झील लाल हो जाती थी ना, तो लोगों को लगता था भाई शैतान का हमला हो गया। कोई शैतान वैतान नहीं होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, गोनियोलैक्स लाल कलर की वजह से पूरा का पूरा पानी लाल कर देता है। एन्ना रस्कल माइंड इट, ठीक है? समझ रहा है ना? तो यहाँ पे होता है भाई एग्जाम्पल गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स ये क्या करता है? पूरी की पूरी रेड टाइड कॉज करता है। क्या कॉज करता है ये? रेड टाइड, है ना? समझ रहा है क्या? ये क्या कॉज करेगा भाई? रेड टाइड कॉज करेगा ये। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, दिख रहा? अब आगे बढ़ने वाले हम लोग, और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे भैया, क्या देखेंगे भैया? अब हम देखेंगे हमारा किंगडम फंगाई, है ना? यहाँ तक तो आई थिंक सो हो रखा है हम लोग का। अब देखते हैं किंगडम फंगाई, नहीं अभी तो सी डायनोफ्लैजिलेट्स हुआ ना, अभी यूग्लेनॉइड्स बाकी है और फंगाई लाइक प्रोटिस्ट बाकी है, ठीक है? प्लांट लाइक हो गया, फंगाई लाइक बाकी है अभी, तो इसको मूव कर लेंगे, ठीक है? यूग्लेनॉइड्स, क्या यूग्लेनॉइड्स? डी यूग्लेनॉइड्स, है ना?
याद रखना, ये घड़ी में तोला घड़ी में मासा होंगे। कैसे? घड़ी में तोला घड़ी में मासा, मतलब कभी कभी ये फोटोसिंथेटिक होंगे और कभी कभी ये पैरासिटिक होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। क्या होते हैं ये? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब जब जब मौका मिला तब ये पैरासिटिक बन जाएंगे, ठीक है। फिर मोटाइल होंगे बच्चों, फिर मूव भी कर सकते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स। देखो मेन मेन पॉइंट्स लिखा रहा हूं बच्चों, बाद में आप रीड भी कर सकते हो चीजों को, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन होता है इनके पास सीलिया। सेल वाले चैप्टर में ये सब देखने वाले हैं हम लोग। सीलिया होता है इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है। सीलिया होता है इनका लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल है इनके पास होता है प्रोटीनेशियस कवरिंग। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, सेल वॉल किससे बना है? प्रोटीन से, प्रोटीनेशियस, है ना। एग्जाम्पल याद रखना है, यू ग्लेना, अच्छे से लिखना, स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से। अब देखो बच्चों, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, इनको मिक्सोमाइसिट्स बोलते हैं, याद रखना। फंगाई लाइक है तो नाम में ही फंगस है भाई, सेप्रोफाइटिक होंगे, याद रख लो। फंगस चीजें सड़ाते हैं तो ये भी चीजें सड़ाएंगे, ठीक है। तो फंगाई लाइक, इन्हीं को बच्चों बोला जाता है मिक्सोमाइसिट्स, याद रखना। मिक्सोमाइसिट्स, है ना। फिर नेचर कैसा होगा? सेप्रोफाइटिक, अच्छे से लिखना ये, ठीक है। नेचर कैसा होगा इनका? सेप्रोफाइटिक होगा। एग्जांपल वगैरह याद रखना है अपने को, प्लाज्मोडियम, ठीक है, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम जो कि नेक्स्ट किंगडम जो कि एक किंगडम फंगा है, ठीक है। कौन सा किंगडम है भाई? देखो नेक्स्ट किंगडम है हमारा थर्ड किंगडम, जो कि हमारा किंगडम फंगाई। कौन सा किंगडम है भैया? किंगडम फंगाई। बाकी झमेले में ना पड़ते हुए डायरेक्ट मैं आपको इसकी चार कैटेगरीज बता देता हूँ, है ना। याद रखना, पी ए बी डी, क्या याद रखेंगे? पी ए बी डी। नहीं, हमने नहीं पिए, किसी ने पिया तो पूछ लेना, है ना। हमने तो बीड़ी नहीं पिया सर, तो पी ए बी डी याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है? पी ए, पी से आएगा फाइकोमाइसिट्स, है ना। ए से आएगा बच्चों आस्कोमाइसिट्स, बी से आएगा बैसिडियोमाइसिट्स, बासीडियो माइसिट्स, है ना। और ए से डी से आएगा ड्यूटेरोमाइसिट्स। मोस्ट फंगाई ना ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ इसमें से पैरासिटिक भी होते हैं और कुछ को खाया भी जा सकता है। एनिमल और प्लांट्स ये हम लोग पूरे अलग लेसन्स में देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग वायरस के बारे में देख के टॉपिक को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो जितना भी है ना ये फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बैसिडियोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स, ये अभी अपन लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा क्या? फाइकोमाइसिट्स फर्स्ट। अरे फर्स्ट दिखते हैं बाबा, फाइकोमाइसिट्स। जरा फाइकोमाइसिट्स देखेंगे, ठीक है। तो फाइकोमाइसिट्स सिंपली बच्चों
ये याद रखना है अभी, किंगडम फंगाई 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 फंगाई, चलो चलो फाइकोमाइसिट्स है क्या परे, चलो ठीक है, इनको ही एल्गल फंगाई बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंगाई, है ना, इनको ही बच्चों याद रखना एल्गल फंगाई कहा जाता है। उसके बाद मॉइ इनका हैबिटेट देखो, मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन चाहिए इनको ग्रो करने के लिए, है ना, असेप्टेट हाइफा होता है, असेप्टेट हाइफा होगा इनका, है ना, असेप्टेट हाइफा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एग्जांपल राइजोपस लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा आस्कोमाइसिट्स, ठीक है, अब देखते हैं आस्कोमाइसिट्स सेकंड वाला, इन्हीं को बच्चों सैक फंगाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैक फंगाई, अच्छे से याद रखना इनको ही क्या कहते हैं, सैक फंगाई। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चा, आस्कोमाइसिट्स देख रहे हैं, ठीक है, सैक फंगाई बोला जाता है, मल्टीसेलुलर होता है, डिकम्पोजर होता है, पैरासिटिक होता है, मल्टीसेलुलर सॉरी कॉप्रोफिलस होता है, कॉप्रोफिलस मतलब गोबर पे उगने वाले हैं, ग्रोज ऑन डंग, किसमें, डंग पे उगने वाली, ग्रोज ऑन काउडंग्स, ठीक है, ये याद रख लेना अच्छे से नाम लगे। इसका एग्जाम्पल देखो एस्परगिलस, एस्परगिलस हो गया, फिर बाद में पेनिसिलियम हो गया, दो याद रख लो, ठीक है, पेनिसिलियम, ठीक है, अंडरलाइन करना ना भूलें और स्क्रीनशॉट लेना भी ना भूलें, ठीक है। अब देखने वाले हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट हमारा बैसिडियोमाइसिट्स, ओके, इसी को क्लब फंगाई बोलते हैं, याद रखो क्लब फंगाई ऐसा फंगाई जो क्लब में जाता है। थ्री बासी डियो माइसिट्स, है ना, याद रखना हुजूर, बैसिडियोमाइसिट्स क्या बोलते हैं, हाईलाइट वर्ड कौन सा है, क्लब फंगाई। ऑल मशरूम्स याद रखना, ऑल मशरूम्स, सम आर एडिबल, पूरे नहीं है, नहीं तो जहरीले मशरूम भी खा लेंगे, अनप्रेड है, सम आर एडिब्ले, सम आर एडिबल। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, एगेरिकस बाइस्पोरस, एगेरिकस याद रखना, ये वाला एग्जाम्पल बहुत फेमस है बच्चों, ये हम खाते हैं, जरा एगेरिकस वाले शेजवान नूडल्स दे देना, मतलब क्या, हमारे मशरूम वाले नूडल्स, ठीक है, याद रखना एगेरिकस याद रखो, फिर उस्टिलागो याद रखो, गैनोडर्मा भी याद रखो बच्चों, क्या, गैनोडर्मा और उसके बाद में उस्टिलागो, उस्टिलागो उस्टिलागो रे लागो रे उस्टिलागो, जल्दी से लिखो, और लास्ट में होगा हमारा ड्यूटेरोमाइसिट्स, है ना, फोर्थ, इसका ज़्यादा दिया नहीं बच्चों, ड्यूटेरोमाइसिट्स, याद रखना ड्यू कब लगता है, जब हम इम्परफेक्ट होते हैं, है ना, तो इसी को याद रखना इम्परफेक्ट फंगाई, क्या याद रखोगे बच्चों, इम्परफेक्ट फंगाई, याद रखना अल्टरनेरिया इसका एग्जाम्पल है, अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम, कोलेक्टोट्राइकम, है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स याद रख लेना। अब देखते हैं हम लोग वायरस के बारे में, बहुत सारे वायरसेस के बारे में, ठीक है, ठीक है, वायरस, वायरस देखो बच्चों, एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले अलग होते हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले अलग होते हैं, और बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करने वाले अलग होते हैं।
तो सिंपली कितने टाइप्स के वायरस होंगे बच्चों? बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के हो रहेंगे, एक आरएनए वायरस और एक डीएनए वायरस, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट तीन टाइप के होंगे. एक्सक्यूज मी, एनिमल, सिंपल लिखेंगे वायरसेस इन्फेक्टिंग एनिमल्स, उसके बाद लिखेंगे वायरसेस इन्फेक्टिंग प्लांट्स. इसको अपन जूफेज भी बोल सकते हैं बच्चों. क्या बोल सकते हैं? जूफेज. मतलब मेरे को लगता है ऐसा नाम देना चाहिए इसको, है ना? ठीक है, जूफेज भी बोलते. अरे लास्ट में है बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज से एक जबरदस्त रिसर्च है. माना जाता है गंगा का पानी एकदम सेल्फ क्लीनिंग क्यों है पता है क्या? क्योंकि उसके अंदर माना जाता है कि बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस हैं, और ये बैक्टीरियोफेजेस गंगा के पानी के अंदर के बैक्टीरियाज को बार बार मार दिया करते हैं, और इस वजह से गंगा का पानी हमेशा, जो रिवर गंगा है, गंगा मैया, उसका पानी हमेशा कैसे होता है? हमेशा सेल्फ क्लीन्ड होता है. मतलब और प्लस गंगा जो है, गंगा रिवर के वाटर में ऑक्सीजन का लेवल बाकी नदियों से 25% हाई है. तो अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगा तो क्या करना है? इसी नाम पे PGMN को सब्सक्राइब करना है गुरु. समझ रहे हैं ना? तो टाइप्स ऑफ वायरस अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA वायरस होते हैं. मतलब ऐसे वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल DNA है तो वो DNA वायरस होंगे, और जिनका RNA है तो वो RNA वायरस होंगे, है ना? ये याद रखना है आप लोगों ने, अच्छे से याद रखना है. इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है बच्चा. अब इसके बाद में देखो वीरियोइड्स भी आप लोग को देख लेना है, ठीक है? वीरियोइड्स भी देख लो. वीरियोइड्स सिंपल, व्हाट आर वीरियोइड्स? वीरियोइड्स ये होते हैं बच्चों आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट. अब ये वायरस से भी छोटे होंगे. क्या कह रहा हूं मैं? ये वायरस से भी छोटे होंगे, और एक बात अच्छी बात है कि ये इन्फेक्ट्स प्लांट ओनली. इन्फेक्ट्स प्लांट, इससे रिलेटेड डिजीजेस याद रखने हैं आप लोग ने. इन्फेक्ट्स प्लांट, इसके अंदर सबसे पहले टीओ डीनर नाम के इंसान ने इनको खोज के निकाला था, ठीक है? और ये आरएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, मैंने जस्ट अभी लिखा कर दिया है. इसके बाद देख लेते बच्चों हमारा लाइकेंस देख लिया, चैप्टर डन हो जाएगा हमारा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट्स निकाल लो फटाक से. लाइकेंस बच्चों ये होते हैं सिम्बियोंट्स. कैसे होते हैं? सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक मतलब दोनों का फायदा. सिम्बायोटिक मतलब दोनों का फायदा. किसकी वजह से बनते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगाई. याद रखना इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? अल्गल पार्ट एंड फंगल पार्ट. कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों इसमें? अल्गल पार्ट एंड फंगल पार्ट. थोड़ा सा हम लोग अलगल पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों फाइकोबायोंट. क्या बोलते हैं? फाइकोबायोंट. और फंगल पार्ट्स को बोलते हैं बच्चों हम लोग माइकोबायोंट. ठीक है, फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है. और अगर मॉसेस, इसका एग्जाम्पल याद रख लो बच्चों, मॉसेस. ओके, ये याद रखना है. अगर लेक्चर आज का समझ में आ गया तो फटाक से क्या करो, जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो. मिलते हैं नेक्स्ट
वन शॉट सीरीज के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।